नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह महेशपुर से झामुमो विधायक प्रोफेसर स्टीफन मारांडी की पत्नी डॉक्टर सुभासिनी बेसरा का बुधवार को सुबह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 76 वर्षीय डॉक्टर सुभासिनी बेसरा पिछले कई दिनों से बीमार चल रही। वे रांची विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त प्रोफेसर थी और इन दिनों सामाजिक कार्यों से जुड़कर काम कर रही थी। उनकी एक पुत्री भी है। दुमका पांधपाटा स्थित आवास लाया गया पार्थिव शरीर। प्रोफेसर स्टीफन की पत्नी की निधन की खबर मिलते ही दुमका स्थित उनके आवास पर शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। जानकारी मिलते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी पांधपाड़ा स्थित पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मिलकर संतावना दिया, जबकि गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पांधपाड़ा पहुंचकर संतप्त परिवार से मिलकर संतावना दिया और स्टीफन की पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उनके जाने का हम लोग को हमेशा कमी महसूस होगी। आज हम लोग यहाँ इस विषय को लेकर पूरी पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल हर वर्ग का आदमी, मजदूर से लेके व्यापारी से लेके बाजार हाट बाजार के लोग, गांव देहात में एकत्रित है और शब्द नहीं है मेरे पास। एक गार्जियन स्टीफन जी की धर्मपत्नी आज हम लोग क्योंकि नहीं रहे, लेकिन हम लोग सदा उनकी यादों को और उनके आशीर्वाद को हमेशा से हमें मिलता रहा। वो दिल में अपना एक जगह बना कर इनके इस दिवंगत आत्मा को ईश्वर पर वो अपने स्थान उनको दे, सुख समृद्धि मिले, यही कामना। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।